तिवारीपुर थाने की पुलिस ने पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान संदीप साहनी पुत्र प्रताप साहनी इलाहीबाग थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा दीपक साहनी पुत्र पहरा साहनी निवासी SBI बैंक के पीछे इलाहीबाग थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा रवि साहनी पुत्र स्वर्गीय कैलाश साहनी निवासी शराब गद्दी के पीछे इलाहीबाग थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, चौथा गौतम साहनी पुत्र मुन्ना लाल साहनी निवासी शराब भट्टी के पीछे इलाहीबाग थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, पांचवा प्रमिला उर्फ झिंकी पुत्री दीपचंद्र निवासी जोमिनगढ़ थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, छठवा सुरेंद्र साहनी पुत्र श्यामदेव साहनी निवासी जोमिनगढ़ थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, सातवां सिकंदर पुत्र जीवन देव निवासी जोमिनगढ़ थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि बुधवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में कहासुनी हो गया तथा विवाद बढ़ता देख उपस्थित ड्यूटी पर लगे कांस्टेबल द्वारा समझाने पर प्रतिवादी द्वारा एक राय होकर हॉक 11 के कर्मचारी कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार कांस्टेबल धर्म को सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए मारने के लिए दौड़ाकर हमला करना, मारपीट, गाली गुप्ता देना, जान माल की धमकी देना, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिससे हॉक 11 के कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार को चोट आ गई, जिसके संबंध में कांस्टेबल के तहरीर पर तिवारीपुर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में तिवारीपुर थाना प्रभारी मदन मोहन मिश्रा, उपनिरीक्षक विनय कुमार पांडे, कांस्टेबल अंजनी कुमार, अमित कुमार, रामविलास यादव, अजय कुमार, अरुण कुमार, मुलायम ललित कुमार अरमान, अभिषेक शर्मा, महिला कांस्टेबल शविता मिश्रा, अंकिता सिंह, अंशु कुमारी, पूनम यादव शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, कल रात्रि 11:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि डोमिनगढ़ वहाँ पे बंधे के पास में जहाँ मूर्ति विसर्जन होता है, छठ मैया का जो मूर्ति विसर्जन हो रहा था, वहाँ दो मूर्तियाँ स्थापित थी, एक डोमिनगढ़ के पास की मूर्ति थी और एक इलाहीबाग से आ रही थी मूर्ति। डोमिनगढ़ मूर्ति विसर्जन के करने के बाद में इलाहीबाग की जब मूर्ति आपस में जब क्रॉस कर रही थी तो वहाँ पर पुलिस की हॉक 11 एवं वहाँ पर पुलिस की डोमिनगढ़ बंधे पे जो पिकेट है 5 पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे। जब दो मूर्तियाँ क्रॉस कर रही थी, इनके बीच में हॉट टॉक हुई, तब वहाँ पे बीच बचाव करने गए पुलिसकर्मी, उनको वहाँ पे दोनों पक्षों की तरफ से जो लोग शराब पी रखे थे उन लोगों ने पुलिस के साथ छेड़खानी की और एक पुलिसकर्मी आँख के पास चोट भी आई है। इस तरह का भगदड़ मचने की स्थिति में थाना तिवारीपुर ने टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ पुलिसकर्मी के ऊपर हमला करने, इस तरीके की 147, 323, 352, 332, 353, 504, 506 एवं 7CLA एक्ट लगाकर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और पुलिसकर्मी कांस्टेबल हैं, उसकी तरफ से मुकदमा लिखाया गया है एवं उसका मेडिकल कराकर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। दोनों आयोजक उनमें से एक आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की धरपकड़ जारी है और दोनों आयोजकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है और भविष्य में दोनों आयोजकों के ऊपर मूर्ति नहीं रखने का बैन भी लगाया जाएगा। और इस तरह जो भी व्यक्ति किसी भी पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी एवं अगर कोई मारने पीटने की घटना करता है उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थैंक यू।